रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 22.2 हम कर रहे थे, जिसमें हमने तकरीबन हर किस्म का ग्राफ बनाने की जो प्रैक्टिस है वो कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स खुद ट्राई कर चुके हों शायद आगे के क्वेश्चंस, और उन्होंने इसे सॉल्व भी कर लिया हो, तो उनको वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि एक रिकॉल भी हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स ये समझ चुके हैं अच्छे से इन क्वेश्चंस को, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल एंड मतलब ये आपको गिवन डाटा। अच्छा एक और बात, यही सब कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बहुत डिटेल में बताया है। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करवाने में 25 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की। तो यकीनन वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में होगा, तो यकीनन ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। अच्छा देखें, इसमें क्लास लिमिट जो दी हुई है आपको वो है 20 to 40 और 50 to 70। अगर आप गौर करें 20 to 40 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, और इसी तरह 50 to 60 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो ये आपको रियलाइज होगा कि ये जो है काफ़ी डिफरेंस है इनमें ना। सही है। अच्छा कितने का डिफरेंस है यहाँ, 20 का डिफरेंस बन रहा है 20 to 21 का। इसी तरह 50 to 70 में 30 का डिफरेंस बन रहा है, तो आपके पास आपको रियलाइज हो जाएगा। अच्छा अब ख्याल आ रहा होगा भाई यहाँ 30 क्यों लिखे हैं क्लास इंटरवल, मैं आपको ये बात समझा देती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए क्लास लिमिट्स जब इक्वल इंटरवल की ना हो, इस तरह देखें 40, 40, 50, 70, 80 सब डिफरेंट है, तो आपको क्लास बाउंड्रीज ऐसे बनानी है कि आपका आंसर मतलब जैसे अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 हो, यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 हो। तो अब देखें आपको किस तरह की एडजस्टमेंट करनी होगी कि क्लास बाउंड्रीज आपकी लिमिट में आ जाए। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा 15 और 45 ये डिसाइड कैसे हुआ है। देखें भाई आप देखें 40 से 50 के दरमियान का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। 70 से 80 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। 90 से 100 के दरमियान मतलब सब में 10 का डिफरेंस है, तो आप 10 के 2 हिस्से करें 5, तो इसका मतलब आपको यहाँ प्रीवियस भी पीछे 5 जाना है और यहाँ 5 ऐड करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ 5 ऐड करना है, तो खुद ब खुद क्लास बाउंड्रीज डेवलप हो जाएंगी। हमेशा ये देखा करें, उससे प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाया था उसमें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस आ रहा था, तो तभी हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया था और 0.5 भी क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, क्योंकि आपको पता है 1 को अगर 2 हिस्से में तोड़ेंगे आप तो वो 0.5 और 0.5 ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने यहाँ पे 50 में 5 कम किए तो 45 हो गया, 70 में 5 बढ़ाए तो 75, इस तरह आपने 80 में 5 कम किए तो 75, और इस तरह आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब इनमें आप डिफरेंस देखें, 15 से 45 तक का डिफरेंस है 30, 30 तो क्लास इंटरवल हो गया, डिफरेंस नहीं कहेंगे ऐसे कहेंगे कितने नंबर, 15 को भी काउंट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है फिर 45 को और 75, 30 है इनके दरमियान काउंट करें, और 75, 95, अच्छा इनमें से एक नंबर काउंट होता है आपको याद रहे, ये नहीं कि आप सिर्फ मिड नंबर ही काउंट करें। ठीक है तो इस तरह आपके पास क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। अच्छा हमें जो बनाना है ना पहला हिस्टोग्राम, वो बनेगा जैसे हमने क्वेश्चन 2 में बनाया ना बिल्कुल एज इट इज, क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट की बेस पर मैंने पूरा ही क्वेश्चन जो है आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है अब क्लास बाउंड्रीज तो ये हो गए, एडजस्टेड हाइट्स क्या है आपके पास, कि आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी जो कि ये गिवन है बिल्कुल इसे ही वर्टिकल को आपने सॉरी हॉरिजॉन्टल को आपने वर्टिकल करके उतार लेना है। ठीक है और फिर 2 को डिवाइड करें, 30 से 6 को डिवाइड करें, 30 से 12 को, 20 से, और इन सबको डिवाइड करने के बाद एक चार्ट आ जाएगा। अब इन दो कॉलम्स को और इसको तो आप भूल जाए, सिर्फ क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड हाइट को सिलेक्ट कर लें और इस तरह का हिस्टोग्राम बना लें कि इस तरह का चेक कर लें हम। तो देखें भाई क्लास बाउंड्री हमने 15 हमारा लिमिटेड था, हमने 15 और उसके बाद 30 मतलब 15 15 के डिफरेंस पर जो है क्लास बाउंड्रीज बना ली, 15 30 45 60 75 90 इसी तरह सो ऑन। ठीक है अब हमने कहाँ तक हमारा मैक्सिमम नंबर था 170, तो कम से कम 180 तक तो हमने लिखा। अब आपको पर देखें कि 15 से 45 के दरमियान एक क्लास बाउंड्री है, तो 15 से 45 के दरमियान जो एक क्लास बाउंड्री है ना उसमें क्या आ रहा है आपके पास, एडजस्टेड हाइट 0.067। अच्छा यहाँ से आप देख लें 0.10, क्योंकि 0.7 मैक्सिमम आ रहा था तो 0.7 तक जो है ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है अब क्या है, अब देखें
15 से 45 एक क्लास बाउंड्री लिमिट है ना, और इसमें आ रहा है पहला आंसर 0.067, तो आपको पता है कि 0.1 से भी कम है, और 67 तो 1 के करीब करीब है, क्योंकि 0.05 जो है वो 0.1 का हाफ होता है। तो खैर आपने इस हिस्टोग्राम को बना लिया, और ये कैसे बनाना है प्रॉपर ग्राफ में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया, एज इट इज ऐसा ही समझे कि वैल्यू चेंजेस, ठीक है। तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी सेकेंड जो क्लास बाउंड्री है 45 से 75, ठीक है, 45 से 75 सही है। अब यहाँ पर क्या है 0.21, जो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, अब 0.21 में आप यहाँ तो नहीं बनाएंगे ना इसको, इसलिए तकरीबन 0.2 पर ही ये शो हो रहा है। तो आप इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बात हुई थी कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन बनाने के लिए, तो वही सब क्वेश्चन आपके पास। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन बनाने के लिए क्लास लिमिट की नहीं मिड पॉइंट्स की जरूरत होती है, जो कि क्लास मार्क कहलाते हैं। जैसे इन दोनों के दरम्यान अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो 20 और 40 को ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आ जाएगा इस तरह 50 और 70 को ऐड करके डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आपके पास क्लास मार्क आ जाएंगे। क्योंकि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है क्लास मार्क और फ्रिक्वेंसी परसेंटेजेस। तो ये फ्रिक्वेंसी आपके पास है सही है, आप क्या करें परसेंटेज भी निकालने को कहा है ना, इस पूरी फ्रिक्वेंसी का सम कर लें। जब आप फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे ना, तो 40 आएगा, जो कि उन्होंने मेंशन नहीं किया, इनको करना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको पता है कि जो ऑब्टेंड होता है उसे डिवाइड कर देते हैं 40 से, 22.1 में समझाया गया है, अभी 22.2 में भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और ये पूरा टेबल बनाना जो है वो सिखाया, ठीक है। तो वहां से आप इसे देख लीजिएगा। अब आपको ग्राफ जो बनाना होगा वो बनाना होगा इसके रिलेटेड और इसके रिलेटेड, मतलब आपके पॉइंट्स होंगे 30, 60 इस तरह, तो आपको इसी हिसाब से पॉइंट्स को सेट करना होगा। और यहाँ पे 50, 10, तो मतलब मैक्सिमम नंबर आपके ग्राफ में 35 से बड़ा तो ज़रूर हो, 35 मैक्सिमम है ना, और यहाँ पर 160 से बड़ा नंबर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ग्राफ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने तो 30 से स्टार्ट के 30, 60, 90 का किया है, क्योंकि अच्छा है हाँ, 180 तक करने के लिए। आप लोग चाहें तो 15, 30 ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे लिहाज से 15 का होना चाहिए था, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 15। अरे यहाँ पर जो इनका लिखने का क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से ही जिस तरह मैंने आपको बताया है वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 30 का ही बनाए हैं, 5 मैं होती तो 15 की बनाती, 15 एंड देन 30, फिर इस तरह 45, फिर 60 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा आपको, अब पहले जो क्लास मार्क था ना हमारे पास 30 था, और 30 की जो फ्रिक्वेंसी थी, मैं एक मिनट देख के बताती हूँ आप, 30 की जो फ्रिक्वेंसी थी वो 5 थी, तो इसलिए 10 और 0 के दरमियान बिल्कुल मिड में ये पॉइंट बनाया गया है, जिसमें 20 और 5 हो गया। इसी तरह 60 है, तो यकीनन इस तरफ भी इस तरह का पॉइंट होगा, या मुझे देखना ही पड़ेगा, मैं देख लेती हूँ 60 में क्या आ रहा है, 60 में है 15, तो सही है 15, 20 और 10 और 20 के दरमियान। तो इस तरह के फिलहाल ये आपको इस तरह पॉइंट्स बनाने होंगे, आपको पता है कि मैच करना होता है ये बिल्कुल सामने, ये इस तरह बिल्कुल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट्स आप बनाकर बिल्कुल ये पॉलीगॉन की शेप इख्तियार करेगा, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना ये नहीं आया होगा अगर, तो आप इसको आप एजम्पशन पॉइंट करके कर लेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन, और ये भी एजम्पशन पॉइंट है क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो बिल्कुल इसी शेप का बनता है, सही है स्टूडेंट्स। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ है उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आप प्लीज़ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप लोगों वीडियो ज़रूर देखिएगा। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मुझे इस तरह कराना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का कोर्स काफ़ी लेंथी है और मैं थोड़ी तबीयत की वजह से और इस तरह मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। 20 और 40, और आप अच्छा ये क्लास लिमिट्स हैं, ये तो क्वेश्चन वही है, फ्रिक्वेंसी है सही है ना, इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, आप वहां से देख लीजिएगा सही है। डी क्या होता है आपको मैंने बता चुकी हूँ ना, 40 और 50 के दरमियान 10 का डिफरेंस, 70 और 80 के दरमियान 10 का डिफरेंस, जो डिफरेंस है ना वो डी है एक्चुअली यहाँ पर फिलहाल, तो इसलिए 10 है, तो 10 को डिवाइड कर 2 से। अच्छा अपर क्लास में आप इसको यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है 20 है तो आप अपर क्लास लिमिट में 20 लेंगे, और आपके पास अपर क्लास बाउंड्री जो है वो आ जाएगी। अब इसके लिहाज से आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, वो बताती हूँ आपको, कहना 25 स्टार्ट, तो देखें
25 से ही इन्होंने स्टार्ट किया। 25, अब 25 तो यहाँ पर आपके पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में नहीं है ना, तो 25 के लिए आप 0 सपोज करेंगे, ठीक है। फिर इस तरह आपने फ्रिक्वेंसी टेबल को बनाना है। वैसे खाम खाम में ये 25 अपर क्लास बाउंड्री आई है, क्योंकि 25, अच्छा इस बाउंड्री को नहीं देखेंगे, बताती हूँ आपको किसको देख। देखिए ये जो आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी ना, इसमें ये वाली जो बाउंड्री है वो अपर क्लास बाउंड्री है, और जो ये वाली है वो लोअर क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री में लोअर और अपर। अब लोअर तो 25, सॉरी अपर तो 25 नहीं है फर्स्ट पर, हाँ 45, 75, 95 ये सब है। और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमें अपर क्लास बाउंड्री ही लेनी होती है। बस स्टार्ट कहाँ से करें इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया है। तो ऐसा है कि 25 आया तो मजबूरन अपर क्लास बाउंड्री 25 लेनी पड़ी है, जबकि 20 थी, हम सॉरी 25 नहीं थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 25 एक ले लिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके बाद 45, ठीक है जो कि है, तो 25 पे आप 0 फ्रिक्वेंसी रख लेंगे, ठीक है। अब 45 जो कि 2 है, उसके बाद आपको पता है 45 के बाद 75 है, जो भी अपर क्लास बाउंड्री आपने पीछे निकाली हुई है वो आप निकाल लेंगे। मतलब इन शॉर्ट इसमें 5 5 ऐड कर देंगे, जैसे 70 है तो 5 ऐड, 90 है तो 5 ऐड, 110 है तो 15, 140 है तो 145, और 170 है तो 175। ये देख ले यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, अपर क्लास बाउंड्रीज लिखी हुई, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो आपको निकालना आती है। तो जो 2 था वो इस 6 में ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 6 8। अब जो 8 आया है सही है, वो 12 में ऐड हो जाएगा। ये फ्रिक्वेंसी कहाँ से आई है, ये फ्रिक्वेंसी सामने चार्ट पर लिखी हुई है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाली हुई है। तो प्लीज काइंडली 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 क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज है तो इसलिए दोबारा सेम टू सेम उतना ही टाइम लगाकर मुझे करवाना मुनासिब नहीं लगा। वैसे करवा देना चाहिए था, थोड़ा सा वक्त और निकालना चाहिए। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, हमें अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के दरमियान बनाना होता है, और इसी तरह की शेप क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी, बिल्कुल ये ग्राफ भी ऐसा ही आया है। तो आप लोग वो वीडियो देखकर इसको आप ऐसा प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकते हैं। चल एक वाले बता भी देते हैं, तो 25 0 पर है ना, तो देखें 25 और 0, 25 और 0। इस तरह 50 पर क्या है, 45 पर, सॉरी 45 पर है आपके पास 2। तो मैं तो वैसे बनाऊंगी भी बाउंड्रीज ऐसी, अगर 25 है ना तो जैसे 25 और 50 है, तो मैं इस तरह की नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी थोड़ा सा 20, और वो भी 5 स्मॉल बॉक्स 20, चलो इस तरह बना सकती, 20 40 इस तरह, ताकि सब है। अरे 50 है तो 45 यकीन से थोड़ा पहले ही होगा, तो 45 क्या है, 2, तो आपने 2 के दरमियान बना ली। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको, बस इस तरह के ग्राफ में वैल्यूज पूरी आ जाए। तो मुझे अभी जो मुनासिब लग रहा है वो ये है कि ये जो 25 की इन्होंने क्लास बाउंड्री बनाई है, इससे वो 20 में ब्रेक कर दो, 20 20 20 20, और जो ये 10 की बनाई है ना, इसको मैं अगर मैं 5 लिखूँ, 5 हाँ तो बन जाएगा ग्राफ, तो मैं 5 में ब्रेक कर लूँगी, तो अच्छा साफ सुथरा जो है ग्राफ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। ये भी समझ में आ जाएगा कि दोबारा वही बातें रिपीट करना, मतलब वैसे कुछ चीज़ें चेंज थी इसमें, लेकिन बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को। 22 जो है यूनिट हमारा वो इतना मुश्किल नहीं है, पर बहुत लेंथी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, शायद एग्जाम में कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। अदरवाइज जो चांसेस हैं, ज़्यादातर बाकी एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आगे एक्सरसाइज जो मैं करवाने वाली हूँ काफ़ी डिटेल में करवाऊंगी, वो इस तरह नहीं करवाऊंगी, तो वो काफ़ी अहम हो गया, वो देख सकते हैं। जैसे 22.3 है सही स्टूडेंट्स, और मुझे पता है कि अभी इसका एक क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपको समझा चुकी हूँ, आप उसे ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़रा खुद से इस ज़रा ट्राई कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।